Dear student, uh, in mixed methods research methodology, we are studying the concurrent approach. And now we are going to study the second research design of the concurrent approach, which is concurrent embedded research design. In a concurrent uh, embedded approach, uh, both quantitative and qualitative data are collected simultaneously. And this approach has a primary method that guides the project and a secondary. डेटा बेस दैट प्रोवाइड अ सपोर्टिंग रोल इन द प्रोसीजर जैसे हमने एम्बेडिड डिज़ाइन पढ़ा था सिक्वेंशल uh, के साथ तो इसी तरह अब हम एम्बेड डिजाइन पढ़े हैं कंक्रेट uh, अप्रोच में इसमें क्या होता है कि एक मैथड आपका प्राइमरी मैथड होता है और दूसरा जो है आपका सेकेंडरी uh, मैथड होता है यानी यहाँ तो आपका क्वालिटेटिव प्राइमरी मैथड होगा तो फिर क्वान्टिटेटिव आपका सेकेंडरी मैथड होगा और अगर आपका क्वांटिटेटिव जो है प्राइमरी मेथड होगा तो फिर आपका क्वालिटेटिव जो है आपका सेकेंडरी मेथड होगा वी एक्चुअली यूज दिस रिसर्च डिजाइन इन मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन विच वी एक्चुअली कंडक्ट आ क्वांटिटेटिव स्टडी एंड वी ट्राई टू एम्पावर द रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी विद क्वालिटेटिव एज वेल जस्ट लाइक सी दिस पिक्चर इन विच इट इज़ क्लियरली शोन दैट कि आपका uh, एक प्री टेस्ट डेटा और रिजल्ट होते हैं क्वान्टिटेटिव स्टडी के फिर पोस्ट टेस्ट डेटा और रिजल्ट होते हैं आफ्टर द इंटर वेंशन बट मीन वाइल उसमें हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशनस भी कर रहे होते हैं और हम इसको होलिस्टिकली इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि कैसे जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च के रिजल्ट हैं उनको कन्फर्म कर रहे हैं क्वालिटेटिव के ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स और क्या इधर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस रिसर्च डिज़ाइन दिस रिसर्च डिज़ाइन एनेबल्स द रिसर्चर टू कलेक्ट द टू टाइप्स ऑफ डेटा सेमसली ड्यूरिंग अ सिंगल डेटा कलेक्शन फेज इट प्रोवाइड्स अ स्टडी विद द एडवांटेजेस ऑफ बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा and if we talk about the disadvantages uh, the data need to be transformed in some way so that they can be integrated within the analysis phase of the research isme hum jo data ko triangulate karte hain wo analysis phase pe hi kar lete hain uh, to is wajah se iske liye aapko jo hai no, इतनी आपकी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उसको ये काम कर सकें इफ़ द टू डेटा बेसिस आर डिस्क्रिपेंसीज में अकर दैट नीड टू बी रिजॉल्व अगर इसमें क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटे में कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है तो फिर आपको उसको रिजोल्व करना भी पड़ता है दिस अप्रोचो रिजल्ट इन अन एकवल एविडेंस विद स्टडी तो ये पॉसिबल है कि आपकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इंफॉर्म ना कर रही हो क्वान्टिटेटिव फाइंडिंग को तो इसलिए आ, ये एक लिमिटेशन हो जाती है स्टडी की वैन वी आर रिपोर्टिंग द रिजल्ट and interpreting the results.